बचपन से ही आध्यात्मिक ज्ञान जीवन में धारण करने से वो श्रेष्ठ मानव बन सकते हैं। ऐसी ही आज की कहानी है जिसमें एक छोटी सी बच्ची ने अपने मौसी के घर में आध्यात्मिक ज्ञान लिया, जिनका नाम है राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी, जो आज की तारीख में वरठी सेवा केंद्र की इंचार्ज है। आइए देखते हैं उनकी जीवन कहानी। माँ बाप के साथ और मौसी के साथ, दोनों परिवार के साथ में ज़्यादा ही बिताया। दीदी, आपके घर का माहौल कैसा था? घर के लोग कैसे थे? क्या आप बचपन से ही पूजा पाठ करती थी? भक्ति समझ के अनुसार थी, भावना के आधार पर, और एक ज्ञान है कि समझ के आधार पर। समझ और भावना दोनों में अंतर दिखाई पड़ा कि भावना से ज़्यादा ज्ञान अच्छा है। ऐसी क्या बात थी आपको जो मौसी के घर में रहना पड़ा? शिव बाबा की बच्चे थे, बाबा का ज्ञान था और ज्ञान युक्त वातावरण मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं मौसी के घर ज़्यादा रहती थी। और मौसी भी बहुत प्यार से हमारे जो परवरिश है वो ज्ञान के साथ करती थी, केवल लौकिक के साथ नहीं। बस सुबह उठना, ज्ञान मुरली करना, योग करना और सेवा करना, ये सभी सेवा भावना उनके अंदर थी, तो वैसे इसीलिए मौसी के साथ ज़्यादा रहती थी। बचपन में हर एक बच्चे का सपना होता है, आपका क्या सपना था? मेरा सपना था इंस्पेक्टर बनना या मिलिट्री में जाना, लेकिन बाबा ने ये ज्ञान जब दिया तो ज्ञान बुद्धि में जब आया, समझने लगे तो लगा कि नहीं, ये कोई भी कर सकता है, लेकिन मुझे तो ब्रह्मा कुमारी बनना है। फिर मेरा लक्ष्य चेंज हो गया। एक गोष्ट विचारते, उत्तर देना का? हाँ मौसी, जो पूछना है वो पूछो। मुझे बताओ, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहती हो? अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन मुझे पुलिस में जाना बहुत अच्छा लगता है। पुलिस की वर्दी बहुत अच्छी लगती है, चोर को पकड़ना बहुत अच्छा लगता है, डुशुम डुशुम करना बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि दुनिया के सारे चोर खत्म हो जाए, एक एक चोर बदमाशों को पकड़ कर मैं अंदर करूँगी। तेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पुलिस की भर्ती होने के लिए बहुत अच्छी पढ़ाई करनी होती है, सुबह सुबह उठकर दौड़ लगानी होती है, तू ये सब कर पाएगी? क्यों नहीं मौसी, जरूर। बेटा, बहुत बड़े गुरुजी हैं, जो भी बोले हाँ जी बोलना, जवाब नहीं देना। वो तेरे माता पिता के भी गुरु है, मेरी लाज रखना बेटा। पिताजी, मैं तो इन्हें कुछ नहीं बोलती, अगर इन्होंने कुछ बोला तो मैं चुप नहीं रहूंगी। अलग निरंजन गुरुजी, पैर पड़ो ना। महाराज जी, उषा बड़ी हो रही है, उसको भी मंत्र दे दे तो अच्छा होता है। मैं आपको मंत्र दे सकता हूँ,
लेकिन बेटी को नहीं, क्योंकि ये तो मेरी भी गुरु है। कल मैं उसको कोई शिक्षा देता तो मुझसे आकर पूछेगी कि आपने जीवन में शिक्षा धारण की है, आपकी बेटी तो साक्षात देवी है, काली माँ है, भला मैं उसको क्या दूँ? मुझे पता है ना मैं कौन हूँ, नहीं छोड़ूंगा। मैं भला क्यों मारूं? तुझे गुस्सा आ गया होगा और तूने एक खींच के मारा होगा। नहीं मैंने नहीं मारा। मैं नहीं छोड़ूंगा, तुझे पता है ना मैं कौन हूँ, सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं देख लूंगा। दीदी, ज्ञान में आप कब से जुड़े? स्कूल जाते थे तो एक वाह कहावत थी कि आवे ज्ञानासाठी निघावे सेवेसाठी, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और इस के कारण बाबा की सेवा करना एकदम बहुत अच्छा लगा, इसलिए जीवन को समर्पित करने का निश्चय किया। दीदी, आपको समर्पित होने के लिए किसने प्रोत्साहित किया? प्रोत्साहित तो मैं स्वयं खुद ही हुई, लेकिन सपोर्ट मौसी ने और भाई ने किया। मौसी क्या कर रही हो? बछड़े को पानी पिला रही हूँ। बेटा बेटा तू एक काम करेगी, ऐसे ना तू सफेद ड्रेस ही पहना करो। सफेद कपड़े तो मुझे बहुत पसंद है, पर सिलवाएगा कौन? उसमें क्या है, मैं सिलवा दूंगी, तुझे अच्छे लगते ना तू पहन। बहुत अच्छा लगता है। और योग लगाना? उसका मुझे पता नहीं, पर मुझे लाल लाइट के नीचे बैठना बहुत अच्छा लगता है। सभी सफेद कपड़े पहनकर जब बैठते हैं और योग लगाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी प्यारी मौसी, अगले जन्म में ना मेरी माँ बनकर आना। तुम भी मुझे अच्छे लगते हो, तुम भी अगले जन्म में मेरी बेटी बनकर आना। माझं नाव तथागत मिश्रा, मी पत्रकार आहे लोकमतला। उषा दीदीशी खूप दिवसापासून संबंध आलेत आणि जो संपर्क आला त्या संपर्काच्या माध्यमातून एक आध्यात्मिक ना आणि कुठं पहिले जात नव्हतो, त्याच्यामुळे ते काय असतं हे माहीत नव्हतं, पण त्यांच्याशी जेव्हा संबंध आले आणि संपर्क वाढला तर विविध माध्यमातून त्यांच्यासोबत जाणे, कार्यक्रमात सहभाग घेणे आणि त्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जे काही ज्ञानप्राप्ती होती, या मनाला शांतता प्रदान करणारे जे काही ज्ञान होतं, अशा विविध गोष्टी आपण मी स्वतः उषा दीदीच्या मार्फत अनुभवलेल्या आहेत। आणि ओम शांती नावाने जे सेंटर आपल्याकडे आहे, जे प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय म्हणून जो सेंटर आपण इथं वर्तीत आहेत, तर त्या सेंटरच्या माध्यमातून जेव्हा जेव्हाही संपर्क माझ्याकडे आला आहे, या मी उषा दीदीच्या संपर्कात आलो तेव्हा तेव्हा मला एक नवीन नवीन गोष्टी शिकायला भेटल्या आहेत। जीवनात काय महत्त्वाचं आहे आणि जीवनात काय केल्याने माणसाच्या मनाला शांतता आणि सुखशांती लाभू शकते आणि आयुष्यात माणसाने कसं जगायला पाहिजे, अशा विविध गोष्टी मी उषा दीदीच्या संपर्कात आल्यानंतर अनुभवल्या आहेत। या सेंटरमध्ये खूप वेळा येण्याचा मान नाही आहे, पण जेवढ्या वेळेस मी आलो आहे, या जेवढा जेव्हा उषा दीदींनी बोलवलं आहे, तेवढ्या तेवढ्या वेळेत मला एक नवीन नवीन गोष्टीचं आणि नवीन नवीन एक अनुभव जे जीवनाशी निगडीत होते, जीवनाच्या आनंदमय जीवनासाठी जे रहस्यमय होते, असे विविध अनुभव मी त्यांच्या संपर्कात असताना अनुभवलेत। आणि त्यांच्या संपर्कातून जेवढे जेवढे कार्यक्रम वरठे येथे झालेत आणि विविध कार्यक्रम सुरू आहेत, विविध सामाजिक असो धार्मिक असो, अशा वेगवेगळ्या कार्यक्रमातून वेगवेगळ्या सेंटरमधनं जे वक्ते आलेत, ज्यांनी प्रवचने दिलीत, धार्मिक गोष्टी समजून सांगितल्यात, आणि प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय असो या प्रजापिता ब्रह्मकुमारी सेंटर असो, अशा बाबतीमध्ये जी जी माहिती दिलीत, त्या माहितीच्या माध्यमातून ज्या ज्या गोष्टी शिकायला मिळाल्यात ह्या जीवनात उपयोगी पडल्यात। आणि याचं विशेष श्रेय म्हणजे ते उषा दीदी यांनाच जाते, कारण की कामाच्या व्यस्ततेमुळे म्हणा या आपण एखाद्या वेगळ्या व्यवसायाकडे असल्यामुळे म्हणा, पाहिजे त्या प्रमाणात जे वेळ आपण देऊ शकत नव्हतो या जे वेळ आपण शेअर करू शकत नव्हतो, अशा ज्या काही गोष्टी वेळेअभावी आपण शिकलेला मुकलो होतो किंवा त्या शिकायपासून आपण वंचित राहिलो होतो, अशा विविध गोष्टी आणि विविध अनुभव ह्या उषा दीदी यांच्या संपर्कात आल्यानंतर आम्हाला मिळाल्यात। आणि त्या सर्व गोष्टीपासनं आज आपण चांगल्या पद्धतीनं जीवनही जगतो आहे, आयुष्यात कसं जगायचं, कसं राहायचं आणि मनाची शांतता कशी आपण मिळवू शकतो, प्रत्येक गोष्टीवर कशी मात करता येऊ शकते, अशा विविध गोष्टी त्याच्या संकल्पनेतून या त्यांच्या अनुभवातून आपल्याला शिकायला मिळालेल्या आहेत।
योग कर रही थी। हाँ अच्छा तुम बताओ ज्ञान योग धारणा सेवा में तुम्हें क्या अच्छा लगता है? जो नियम है ना अपने ब्राह्मणों के वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मौसी। पता है मौसी मैंने तो अब तो कांदा लहसुन भी छोड़ दिया है और नहाकर खाना बनाना और बाबा को भोग लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है मौसी। मुरली सुनाना अच्छा लगता है? हाँ मौसी। आज से तुम रोज मुरली सुनाया करो। अभी तो मैंने अपने जीवन का लक्ष्य भी बदल दिया है। ये ज्ञान मुझे बहुत अच्छे लगने लगा है और जो आपने अमृत कुंभ दी थी ना मौसी वो पढ़कर मेरा इंटरेस्ट और बढ़ते ही जा रहा है। क्या मैं पुष्पा रानी दीदी जैसे बन सकती हूँ मौसी? तू अगर ब्रह्म कुमारी बनेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। 21 कुल का उद्धार होगा, हमारे कुल का और समाज का नाम होगा। फख्र से कहूंगी यह मेरी बेटी है। तेरी बातों से तो यही लगता है कि तेरा ड्रामा में जल्दी ही पार्ट खुलेगा बेटी। हाँ मौसी जरूर। दीदी किसने सहयोग दिया? मौसी ने और भाई ने। प्रभु तेरे रंग में, प्रभु तेरे रंग में। मौसी मैं एक बात कहूँ? आज मैं आपको अपने मन की बात कहना चाहती हूँ। मौसी मेरा ना पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, खींच सी होती है। मुझे लगता है कि मैं कब शिव बाबा की बनूँ, कब सेंटर पे जाऊँ। मुझे व्हाइट साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है मौसी। मेरा इस दुनिया से बिल्कुल मोह हट गया है। बस ऐसा लगता है कि मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई। यह तो ठीक है, घर वाले को बिना बताए तू यहाँ से निकल जा, वरना घर वाले तुझे कभी यहाँ से जाने नहीं देंगे। नागपुर में जाकर दीदी से बोलना मैं भगवान का घर और दर कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे भरोसा है कि तू एक आदर्श ब्रह्म कुमारी जरूर बनेगी। मौसी ये तो आपका प्यार है और बड़प्पन है जो मुझे इस मार्ग पे आगे बढ़ा रहे हो। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी मौसी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देख उषा मैं तेरा भाई हूँ, मुझे बता कल को अगर तू कभी लौटकर वापस तो नहीं आएगी ना, क्योंकि तू अभी बहुत छोटी है। कल को कोई अगर बात ऊपर नीचे हो गई तो? कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा। अगर तू मेरा भाई है तो मेरा एक काम करेगा, मुझे सिर्फ नागपुर तक छोड़ के आ जा। हाँ ठीक है, तुम सब कुछ लेकर तैयार रहना, कल सुबह हम नागपुर चलेंगे। तू भगवान का इतना बड़ा कार्य करने जा रही है तो मैं तेरा साथ क्यों ना दूँ, ये मेरा सौभाग्य है। मैं हमेशा आपकी ऋणी रहूंगी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुझे तेरी मंजिल तक जरूर पहुंचाऊंगा। सुन नागपुर जाने के बाद मुझे भूलना नहीं, मैं आऊंगा तुझसे मिलने। हाँ भाई जरूर। मनीषा शेखर मडामी आहे। मी एक माजी ग्रामपंचायत सदस्य, तंटा मुक्ती सदस्य आहे, सामाजिक कार्यकर्ता आहे आणि सोशल वर्क मध्ये काम पण करते। वरठी येथे ब्रह्मकुमारी आध्यात्मिक विद्यालय आहे, तिथं आम्हाला भरपूर मार्गदर्शन मिळते, माहिती मिळते आणि शांतीपूर्ण असं प्रवचनसुद्धा दीदीचं आम्हाला त्याच्यामध्ये मिळते। तसेच मागील दिवसामध्ये सफलता के 5 कदम हा एक सुंदर त्यांनी कार्यक्रम घेतलेला होता आणि ते 5 दिवस आम्हाला खूप सुंदर मार्गदर्शन मिळाले, प्रवचन मिळाले, तसेच त्यामध्ये कलासुद्धा मिळाली। कलाद्वारे त्यांनी आम्हाला त्यातून काय बोध घेऊ शकतो ते सुद्धा सांगितले। त्यामध्ये अनेक कलाकारांनी सहभाग दिला, तसेच गावकरीसुद्धा तिथं आले आणि त्या मार्गदर्शनामध्ये मंत्रमुग्ध झाले। दीदींनी खूप सुंदर आम्हाला प्रवचन दिले। समर्पित होने के बाद क्या आपको लौकिक घर की याद नहीं आई? और मैं सेंटर पर जब आई समर्पित हुई उसके बाद 8 दिन भी लौकी घर में नहीं रुकी। लौकी घर ठीक था मगर बाबा के घर का जो वातावरण है वो लौकी घर में नहीं मिल सकता। ऐसा तो होता नहीं कि समर्पित होने के बाद परीक्षा ही नहीं आती। आपने कौन कौन सी परीक्षाएं पास की? परीक्षाएं तो आती है और आई भी, लेकिन वो तो सूजी से कांटा बन गई। बाबा ने जो सेवा करने का जो भाव जो दिल में बिठा के रखा था उस सेवा के कारण जो भी समस्या आई समस्या पूरा समाप्त हो गई। साथ में हमने मकान बनाया, मकान के जो कॉलम के खड्डे खोदना था वो एक असंभव बात थी, लेकिन हम लोगों ने एक दिन में ही सुबह से दोपहर से शाम तक पूरे खड्डे भी खोद लिया और सभी मतलब खुशी खुशी से बिल्डिंग जो बन गई। तो बिल्डिंग बनाने में भी मजदूर कम और अपने भाई बहनों का जो सहयोग के साथ मतलब वो स्थान बना, तो ऐसी परीक्षा कुछ भी परीक्षा नहीं लगी।
देखो बहन जी, 3-4 महीने हो गए, मैंने आपको कभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन अभी मुझे मेरा मकान खाली चाहिए। अब इतना सारा सामान लेके मैं कहाँ जाऊँ? आप मुझे कुछ मोहलत तो देती। किस चीज़ की मोहलत? ये मेरा मकान है, मैं जब चाहूँ तब खाली करवा सकती हूँ। मुझे नए किराएदार मिल गए हैं, आप कुछ भी करो, कहाँ भी जाओ, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे ज़्यादा पैसे देने वाले किराएदार मिल गए हैं, मैं उनको मकान दूंगी। आप ठीक समझो। देखो भाई, मेरे पास ये है, आपको रहना है तो थोड़ी साफ सफाई करनी होगी। आपको एडवांस चाहिए वो मैं दे सकती हूँ। मुझे एडवांस की ज़रूरत नहीं है, आपको मकान अच्छा लगा तो देख लो और अपना शुभ कार्य शुरू करो। आपने बाबा की यज्ञ में इतनी बड़ी मदद की, बाबा आपको कोटि कोटि इसका रिटर्न देगा। मैं आपको दिल से दुआएं दे रही हूँ। वैसे भी मुझे घर किराए से देना था, आप मुझे भली लगी इसलिए मैं आपको घर दे रहा हूँ। धन्यवाद भाई साहब। दरअसल ना वो वाला घर बहुत अंदर था और आपका मकान तो चौक में ही है, इसे बाबा का ज्ञान बहुत फैलेगा। आपने भगवान के कार्य में सहयोग किया इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मी सौभाग्यवती कविता हरिराव वरठे, राहणार वरठीलाच आणि ज्युनियर कॉलेजवरती प्राध्यापक होती। पॉलिटिकल सायन्स आणि इकॉनॉमिक्स हे दोन्ही विषय मी शिकवत होती 11वी 12वीला ज्युनियर कॉलेजला। आणि हे या सेंटरशी माझा संबंध फार जुना आहे। ताईंनी ज्या ज्या वेळेला कार्यक्रम घेतले त्या त्या प्रत्येक कार्यक्रमाला मी हजर राहतेच। त्यांचे कार्यक्रम फार चांगले वाटतात आणि विशेष म्हणजे आपल्या ज्या सुप्त शक्ती असतात या शक्ती जागृत करण्याचं कार्य या सेंटरमधून केलं जातं। असतात अनेक शक्ती आपल्यामध्ये, पण इतर माध्यमातून आपण त्या शक्तींचा उपयोग करू शकतो, पण हा जो आहे आध्यात्मिक विकास मात्र या शक्तीद्वारेच केला जातो आणि ही आध्यात्मिक शक्ती ताई सगळ्यांमध्ये जागवण्याचा प्रयत्न करतात। दीदी, क्या आप अपने समर्पित जीवन से संतुष्ट हैं? हाँ जी। दीदी, अब आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? अभी एक लक्ष्य एक ही है कि बाबा रोज मुरली में कहते बाप समान बनना है, बाप समान बनना है, तो ये बाबा के हर श्रीमत पर चलकर, कदम पर कदम रखते हुए चलकर बाप समान बनना। दीदी, आप अगर ब्रह्मा कुमारी नहीं बनती तो क्या बनती? ब्रह्मा कुमारी नहीं बनती तो मैं पुलिस इंस्पेक्टर जरूर बनती। आप समर्पित हुई तो क्या वो दिन प्यारे थे कि अब ये दिन प्यारे हैं? वो दिन भी उतने ही प्यारे थे, ये दिन भी उससे ज़्यादा प्यारे हैं। सुनो जी, मुझे घर नहीं देना है। इस बात की गारंटी देती हूँ कि आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। ठीक है, आप इतनी गारंटी ही दे रहे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हर महीने किराए के पैसे मेरे पास पहुंच जाना चाहिए। जितना भी किराया होगा उतना मैं दे दूंगी आपको, अपने किराए के पैसे मिल जाएंगे। रखना है तो रखो। भाई साहब, सेवा केंद्र तो खोलूं लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ है? कमाल करते हैं आप दीदी, आप शिव शक्ति है, आपके पास पैसे की क्या कमी? आधे पैसे मैं आपको देता हूँ, आधे आप इकट्ठा कर लीजिए। बाबा के लिए प्लॉट खरीद लेते हैं, इसमें एक बाबा के नाम का सेवा केंद्र शुरू कर देते हैं। भाई साहब, आप मजाक कर रहे हैं। नहीं दीदी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सचमुच दिल से कह रहा हूँ। आप चाहे तो मैं आधे पैसे आपको लाके अभी दे सकता हूँ। अगर यहाँ पे सेवा केंद्र खुला तो बाबा की बहुत सेवा होगी। जी दीदी। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति पांडे राय है। मैं 25 साल से एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स में काम कर रही हूँ और ये जो संस्थान है, ये संस्थान से मैं करीबन 94 से जुड़ी हूँ। हमारे यहाँ वर्ठी में 2012 से जुड़ी हुई हूँ। 2012 में जब दीदी का सत्कार हुआ, सबसे पहली बार मैं माउंट आबू गई। मुझे दीदी का स्वभाव अच्छा लगता है, उनकी जो बातें हैं, मतलब जो सच्चाई से करती है विदाउट एनी हेजिटेशन, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और जब हम लोग गए थे इनके सत्कार के लिए तो उनके साथ का जो सफ़र मेरा हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं बोल रही थी कि मैं अपना खाना लेके जाऊंगी तो ये बोले कि हम आपका खाना खा नहीं सकते। तो मैं बोली ठीक है भाई, आप अपना बनाओ, हमें भी खिलाओ, आप भी खाओ। तो पूरा सफ़र मेरा बहुत अच्छे से गया, मैंने बहुत एंजॉय किया और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि जब तक सांस है तब तक बाबा के सेवा में जुड़ी रहो। धन्यवाद। दीदी वरठीला आल्यात
ज्यावेळेला प्रथम या प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयाची स्थापना झाली त्यावेळेला म्हणजे हे ज्याला आपण म्हणू स्थान इमारत तयार झालेली नव्हती. त्या अगोदर मी प्राचार्य असताना नवप्रभात विद्यालयामध्येच अनेकदा सी जे कंपनी या ठिकाणी दीदीच्या सहयोगानं विद्यार्थ्यांना विद्यार्थिनींना ज्याला आपण म्हणू सद्विचाराची आणि आध्यात्मिक ज्ञानाचं मार्गदर्शन करण्याकरता त्या आमच्याकडे येत होत्या आणि त्याचे वेगवेगळे कॅम्प सी जे पटेल अँड कंपनी मोठा हॉल त्यावेळेला कॉलेजमध्ये उपलब्ध नसल्यामुळे त्या हॉलमध्ये मार्गदर्शन करण्याचं काम दीदीच्या वतीनं होत होतं. त्यावेळेपासनं या म्हणजे विद्यालयाचा संपर्क माझ्या जोडलेला आहे. देखा ना दर्शको, शुद्ध संकल्प और अच्छा विचार क्या कमाल कर सकता है. एक छोटे से गांव से निकली हुई कन्या पुलिस वाला बनना चाहती थी. वो आज भी पुलिस वाली ही है, लेकिन उनका ड्रेस पुलिस की नहीं है. वो लोगों के व्यर्थ निगेटिव बुरे विचारों को कैद करके उन्हें अच्छा जीवन जीने की शिक्षा देती है. तो क्या आप पुलिस वाला बनना चाहोगे जो लोगों के जीवन को काल कोठरी से सतयुग की ओर ले जा सके? ऐसे ही सत्य घटना पर आधारित कहानियाँ हम आपके सामने लाते रहेंगे. तब तक के लिए मुझ कुंदा को इजाजत दीजिए. नमस्कार.
की आंखों